चलिए बच्चों, हम बात करेंगे आज हैलोजिनेशन के बारे में। और हैलोजिनेशन की बात भी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे कि हैलोजिनेशन क्या है। तो पहले एक पॉइंट को सुनिएगा, हैलोजिनेशन ऐसी को बोलते हैं हेल बोलो हार्ट जेलिमिस्की रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या होता है, तो इसको समझिएगा। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया हो और उस कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन दिया गया हो, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, और उसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, हैलोजन रेड फास्फोरस। या हैलोजन क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। और हमें क्या मिलता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो फिर सुनिएगा बच्चों, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएं। हाइड्रोजन में या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा कि अल्फा कार्बन से एक एच रिप्लेस होकर वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और क्या मिलेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 COOH, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, ब्रोमीन, यहां पे लिया गया रेड फास्फोरस H2O। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे अटैच यहाँ अल्फा कार्बन दिया गया है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, एक H क्या होगा ब्रोमीन के द्वारा क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा CH3 CHBrCOOH। इससे क्या बोलेंगे, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएसी की बात करें 1 2 3 हो जाएगा, 2 ब्रोमो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। आपसे पूछा जाए कि प्रोपेनोइक एसिड से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या कराइए, ब्रोमीन रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ 2 ब्रोमोइक एसिड बनेगा, इस रिएक्शन को बोलेंगे HVZ रिएक्शन। अगला ये आपके एग्जाम में यही सेम जो प्रॉब्लम आपके सीबीएसई में पूछा गया है, ये आपके पेपर में दिया गया था और यहाँ पे लिखा गया है ब्रोमीन रेड फास्फोरस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना लेंगे तुरंत दिमाग में खिंचला है कौन सा रिएक्शन हो, HVZ रिएक्शन। ये आपका एसिड है, एसिड से अटैच अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, तो एक एच जो होगा Br का रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, CH2BrCOOH बनेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है हमारा HVZ रिएक्शन देगा, ये वाला रिएक्शन क्या हमारा HVZ रिएक्शन देगा। यहाँ पर फोकस करिए, CH3COOH, यहाँ पे लिया गया क्लोरीन रेड फास्फोरस, क्या हमारा HVZ रिएक्शन देगा, नहीं देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच अल्फा कार्बन के एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको नोट करिए। चलिए एक और सिंपल सा रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है CH3CH3COOH, इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ, ब्रोमीन रेड फास्फोरस, एसिड है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन दिया गया है, मीन्स हमारा HVZ रिएक्शन देगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3BrCOOH बन जाएगा।
इस तरह बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करिए और जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग उसको पूछिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है देखिए पूछा क्या गया है बच्चों ध्यान सुनिएगा। आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम दिया गया है पूछा क्या गया है ये पूछा गया है। सिंपल सा रिएक्शन है याद करिए के एम एम ओ फोर के ओ एच हीट करेंगे। मैंने बताया था बेंजीन अटैच कार्बन के लिए एक भी हाइड्रोजन है तो पूरा आर ग्रुप क्या होगा क्या बना लेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। पास होने वाले यदि इसका फर्दर क्या करा दे एसिडिफिकेशन करा दीजिए तो के रिप्लेस हो जाएगा। कराए हैं नहीं कराए हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम पूछा गया है आपके एनसीईआरटी का है सॉरी सीबीएसई का प्रॉब्लम है। ये दिया गया है यहाँ पर लिखा गया बी आर टू एफ ए बी आर थ्री। सिंपल सी बात है बच्चों आपका एसिड कौन से कर देगा माइनस एम ब्रोमिनेशन कहाँ पर होगा मेटा पोजिशन। एक अगला एक और प्रॉब्लम है पूछा क्या गया है लिया गया है पेपर में ऐसे दिया गया है सी एस थ्री सी ओ ओ एच लिखा गया क्लोरीन फास्फोरस। अभी जस्ट बता रहे कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों एच बी जेड क्या बनेगा यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा वहां पे सी एल। बात समझ में आ रही है बच्चों चलिए तो इस तरह आप एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप 10 ईयर्स ले लीजिए ऑल इन वन बुक ले लीजिए एनसीईआरटी के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए और जो भी डाउट हो आप उसको पूछिए। तो इस तरह आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया बच्चों और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके आज के लिए थैंक यू।